नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बलिया पुलिस और एसटीएफ के छापा से नकल माफियाओं में हड़कंप। सूबे में चल रहे बोर्ड परीक्षा में नकल माफियाओं का गढ़ माने जाने वाले बलिया में योगी सरकार की साख को बट्टा लगा रहे नकल माफिया का सरगना और बालेश्वर इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रबंधक के घर एसटीएफ ने छापा मार। भारी मात्रा में हाई स्कूल गणित के सॉल्व और सादी कापियों के साथ प्रबंधक सहित 7 नकल माफियाओं को गिरफ्तार किया है। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। नकल माफिया और बालेश्वर कॉलेज के प्रबंधक के घर एसटीएफ और बलिया पुलिस की संयुक्त छापेमारी की यह तस्वीर रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के शाह मोहम्मदपुर की है, जहां आज कॉलेज के प्रबंधक के घर लिखी जा रही हाई स्कूल गणित की 14 लिखी कापियां और 19 सादी कापियों के साथ प्रबंधक समेत 7 नकल माफियाओं को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, रसड़ा पुलिस को सूचना मिली थी, धामदेव वाला सेंट्रल कॉलेज है रावरा चौर में, जबकि वो सेंटर नहीं है, वहाँ के बच्चे दूसरे सेंटर में थे जो नगरा में पड़ता है। तो वहाँ के प्रबंधक अनिल हैं और वो कुछ बच्चों की कापियाँ वहाँ सॉल्व करा रहे थे, जो सॉल्वर्स थे 5 बच्चे, उसमें प्रबंधक भी अरेस्ट कर लिए गए हैं। कापियाँ बरामद हुई, उनको थाने बैठाया गया, उसकी फटवा बनाई जा रही है, उसके खिलाफ अधिक कार्रवाई की जाएगी। इस तरह से जहाँ हम लोग खड़े हैं बालेश्वर इंटर कॉलेज में, रसड़ा थाना अंतर्गत आता है, और इसमें भी सूचना थी कि यहाँ के जो प्रबंधक हैं वो अपने घर पर, अपने भाइयों घर पर कुछ बाहर से सॉल्वर बुला के उनकी कॉपियाँ सॉल्व करा रहे हैं बच्चों की। आज हाई स्कूल मैथ का पेपर था फर्स्ट मीटिंग में, प्रथम पाली में, उसमें एसटीएफ और रसड़ा पुलिस ब्लाइंडली रेड किया और उसमें 5 सॉल्वर पकड़े गए हैं, और जिसमें यहाँ के प्रबंधकों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके खिलाफ अधिकारी हम लोग करा रहे हैं। शासन भी इसके बाद पूरा गंभीर है, और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी पूरा गंभीर है। हम लोग प्रतिदिन जो है दोनों पालियों में निकलते हैं, और पूरा हमारा प्रयास है कि कहीं भी कोई नकल नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल सुचितापूर्ण ढंग से परीक्षा होनी चाहिए। देखा जा रहा है सर कि आप सुबह से ही एक्टिव हो जाते हैं, देखते हैं कि सुबह से ही आप हर सेंटरों पे जाते हैं, तो सर जाते जाते क्या आप मतलब जो सीसीटीवी वगैरह होता है उसको भी आप देखते हैं, फिर उसके साथ और क्या क्या जो आपका रहता है कि जिससे नकल ना हो? देखिए, पूरे जनपद में 274 सेंटर हैं और 2,25,610 परीक्षार्थी हैं, और जो सेंटर्स हैं वो ज़्यादातर रसड़ा सर्किल के जो थाने हैं उन क्षेत्रों में ज़्यादा हैं। जैसे भीमपुरा में और आपका 49 सेंटर है, बाकी सब जगह लगभग 39, 49, 40 सेंटर्स हैं। तो ये जो एरिया है ये बेलथरा तहसील और रसड़ा तहसील, ये काफ़ी सेंसिटिव है, तो ज़्यादा हम लोग इसी क्षेत्र में फोकस करते हैं, और जो नकल कराने वाले पकड़े जा रहे हैं उसी से ज़्यादा पकड़े जा रहे हैं। तो हमारा पूरा प्रयास है कि जो है नकल ना हो, और जहाँ भी ऐसी कोई सूचना मिली हम लोग उसको रेड कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हम लोग पकड़ भी रहे हैं। जनपद में पूरे जनपद में अच्छी तरह से परीक्षा हो रही है। आज जो हम लोगों ने की बड़ी कार्रवाई है, जिसमें एसटीएफ का पूरा सहयोग है, और भविष्य में भी इस तरह हम लोग काम करते हैं अगर कोई इस तरह सूचना मिलती है तो।